दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री क्लास 12 एनसीईआरटी। तो इसमें देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। ये एक्चुअली बेसिक हड़प्पा के बारे में, हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो, तो आप पढ़ भी सकते हैं, अपने जो पीडीएफ है उससे भी पढ़ सकते हैं, जो सामने इसमें वीडियो चलेगा उसमें भी आप इसको पढ़ सकेंगे। मैं आपको इसमें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ बस। ये बेसिकली हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में है, ये जो 900 से 2600 BC के बीच में थी, लेकिन मेनली जो जिस सिविलाइजेशन की बात हम इसमें करेंगे वो 1800 से 2600 BC के बीच की सिविलाइजेशन है। ये ऐसे कहते हैं 1800 BC, BC मतलब बिफोर क्राइस्ट इरा, उस वक्त ये सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई थी। इसका कोई खास कारण नहीं है, फ्लड हो सकता है, कुछ बीमारी हो सकती है, लार्ज स्केल वॉर हो सकता है, हो सकता है कि जो राजा मतलब जो उस वक्त का जो भी सिस्टम था, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, वो ख़त्म हो गया, इस कारण से सिविलाइजेशन ख़त्म हुई। एग्जैक्ट कारण नहीं पता, लेकिन बहुत सारे गैसेस बनाए जा सकते हैं, जैसे आजकल कोरोना के कारण भी। पहले मुझे यकीन नहीं होता था कि कोई बीमारी खतरनाक भी हो सकती है, क्योंकि कभी देखी नहीं थी, लेकिन जब से कोरोना आया तब से ये भी हो सकता है कोई बीमारी हो, कुछ भी हो सकता है, कि क्या कारण था नो वन नोज़ अबाउट दिस, जिसके कारण ये हड़प्पन सिविलाइजेशन ख़त्म हुई। लेकिन ये इस सिविलाइजेशन की इंपॉर्टेंस जो है ना, वो ये है कि फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। हालांकि वेस्ट में देखे जा, मतलब वेस्ट में क्या, अपन इधर थोड़ा सा मिडिल ईस्ट की तरफ जाते हैं, तो पर्शियन सिविलाइजेशन जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी जो ईरान वगैरह के आसपास थी, तो वो भी उसी वक्त की सिविलाइजेशन है। हड़प्पन सिविलाइजेशन जो थी वो एक्चुअली खोजी गई थी, वैसे तो डिफरेंट डिफरेंट आर्कोलॉजिस्ट हैं, लेकिन फर्स्ट आर्कोलॉजिस्ट जो इंडिया के रहे थे वो ब्रिटिश टाइम में कनिंगम, उसके टाइम पे ये डिस्कवर हुई थी ये सिविलाइजेशन, लेकिन वो भी इसको अच्छे से नहीं मतलब पता कर पाए थे। लेकिन फिर व्हीलर और मार्शल जो आए थे उसके बाद में, कनिंगम के बाद में मार्शल जो आर्कोलॉजिकल डायरेक्टर जनरल थे आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, वो एक्चुअली उन्होंने इस सिविलाइजेशन को इस पर्टिकुलरली खोजा था। इससे पहले भी आर्टिफैक्ट वगैरह तो मिलते थे, लेकिन कोई उसके बारे में जानता नहीं था। तो अब हम पढ़ लेते हैं इसके बारे में, ताकि आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको मिल जाएं। वैसे आप बाकी रीडिंग तो आप खुद भी कर लीजिएगा। ये जो फर्स्ट पार्ट है, ये बेसिकली एक तरह से एक ब्रीफ समरी टाइप डिस्क्रिप्शन है कि किस तरह की हड़प्पन सिविलाइजेशन थी। वहाँ पर कई चीज़ें स्टोन की बनी हुई मिली, कॉपर की बनी हुई मिली है ना, गोल्ड वगैरह की। और ये मोटिफ आपको जो दिखाई दे रहा है, ये इसको मोटिफ बोलते हैं है ना, जो भी कोई भी एक्चुअली इमेज वगैरह जो बनती है ये मोटिफ होती है। तो ये जो मोटिफ है ये काफ़ी प्रोमिनेंट मोटिव है। इसमें आप इस एनिमल को पता कर लीजिए, क्या है, जेबरा है कि हॉर्स है कि क्या है, कुछ भी हो सकता है। तो ये भी पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में कि किस तरह के मोटिव मिलते हैं। ठीक, तो ये फर्स्ट पार्ट है इस ये एक्चुअली क्या, ये दूसरे ऑर्नामेंट्स और उस वक्त के क्या जो आर्टिफैक्ट्स थे ये वो हैं। चारों तरफ अगर हम देखेंगे बीट्स हैं, वेट्स हैं, ब्लेड्स हैं, ये जो ये ब्लेड्स हैं, ये वेट्स हैं, ये बीट्स हैं जो बनती थी, स्टेटाइट वगैरह, क्ले वगैरह, इन सब से ये बनती थी। तो ये है, इसमें आप देख सकते हैं कल्चर का डिस्क्रिप्शन दिया है। कल्चर क्या है, एक्चुअली ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, डिस्टिंक्टिवनेस स्टाइल, कल्चर कैसे, जो हिस्ट्री में कल्चर कैसे पढ़ते हैं वैसे। हालांकि हर एक जो सब्जेक्ट होता है साइकोलॉजी में कल्चर थ्री से पढ़ा जाता है, उसमें नॉर्म्स हैं है ना, रोल्स हैं जो एक्चुअली पास ऑन होते हैं वन जनरेशन टू अनदर, डेट इज़ कॉल्ड कल्चर। हिस्ट्री में अगर हम पढ़ने जा रहे हैं तो एक्चुअली ऑब्जेक्ट, डिस्टिंक्टिव स्टाइल्स, डेट आर यूजली फाउंड टुगेदर विद इन स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया है ना, एक जोग्राफिकल एरिया में जो एक्चुअली रहने का अलग स्टाइल है, ऑब्जेक्ट्स जो मिलते हैं उसके हिसाब से कल्चर निकाला जाता है। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन का कल्चर जो है वो एक्चुअली आर्टिफैक्ट्स वगैरह की मदद से निकाला गया है। इंदस वैली, इसका प्रॉपर नाम इंदस वैली सिविलाइजेशन है। इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि हड़प्पा वो पहली साइट थी जहाँ पर इसकी कोई आर्टिफैक्ट डिस्कवर हुआ था और पहचाना गया था। इसमें हम आगे पढ़ेंगे कि एक्चुअली ब्रिक्स निकली थी और बहुत से लेके भाग गए उसको ब्रिक को, तो ऐसा भी हुआ था, लोगों ने अपने घर बना लिए और पता नहीं क्या क्या बना लिया, तो काफ़ी आर्टिफैक्ट डिस्ट्रॉय भी हुआ। लेकिन जो हड़प्पा में मिला वो ठीक था, उससे शुरुआत होती है। फिर मोहनजोदड़ो सबसे अच्छी साइट थी जहाँ पर एक्चुअली जो चीज़ें थी वो क्लियरली मिली और क्लियरली पता चला जाए, ग्रेट बाथ जो है ना, बहुत बड़ी जगह थी जहाँ पर लोग नहाते थे,
वो हमें पता चलता है। द हड़प्पन सिविलाइजेशन समटाइम्स कॉल द मैच्योर हड़प्पन कल्चर, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान रखिएगा। ये कभी कभी एग्जाम में, मतलब बड़े कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछी जा सकती है, तो आप कोई और एग्जाम पढ़ रहे हो तो उसके लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल है। ठीक, इसको ठीक आगे बढ़ते। अब ये एक्चुअली इसका जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वहाँ का मैप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें खासतौर से इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये लोथल, रंगपुर वगैरह, नागेश्वर है ना, और ये सुतका झंडा, बालाकोट, ये एक्चुअली क्या है, जो सी के नज़दीक थी, जो भी से मतलब जो लोकेशन थी, साइट्स थी, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की जगह है सारी। तो यहाँ पर जो लोकेशन, जो कुछ साइट्स जो सी के बिल्कुल नज़दीक थी, यानी कोस्टल साइट्स पे लोकेटेड थी, तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। ये चंद्रदाड़ो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आप इसकी इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे। ये बेसिकली क्राफ्ट सिटी थी, मतलब जहाँ पर क्राफ्ट्स वगैरह काफ़ी इंपॉर्टेंट यूज़ होता था। इसको आप अभी आगे देख लीजिएगा। और हाँ ठीक है, ये यहाँ पर इसको देखिए, ये डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स हैं। बीपी अगर लिखा है तो बिफोर प्रेजेंट, बीसी लिखा है तो बिफोर क्राइस्ट एरा, सी लिखा जाए तो क्राइस्ट एरा। अब ये एक्चुअली क्या है कि पहले क्या है, सी की जगह पुरानी किताब एडी यूज़ होता है, अगर आप देखेंगे तो सी यूज़ नहीं होता, एडी यूज़ होता है, आफ्टर डेथ पहले बोलते थे उसको, अब वो बंद कर दिया, अब क्राइस्ट एरा बोलते हैं इसको। नहीं, बी सी बिफोर क्राइस्ट, बी सी पहले सिंपल बी सी बोला करते थे, बी सी ई बोलते हैं, और बिफोर प्रेजेंट इसको भी आप जैसे चाहें वैसे यूज़ कर सकते हैं। बिगिनिंग, दिस कल्चर वाज एसोसिएटेड विद डिस्टिंक्ट पॉटरी। एक्चुअली क्या होता है कि किस तरीके से पता किया जाता है, ये जो था कल्चर, जो हड़प्पन कल्चर था, डिस्टिंक्टिव पॉटरी थी इसकी, एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का आप पता करेंगे इसमें, एक्चुअली जो है जो प्लफ है उसकी जो डिज़ाइन मिलती है, जो खिलौने वाला, जो आप कह सकते हैं खिलौने या उस वक्त की जो भी आर्टिफैक्ट है या कुछ भी क्राफ्ट बना हुआ मिट्टी का, वो चीज़ मिलाई मिलती है। ये बनावली हरियाणा में प्लफ मिलते हैं, और उस वक्त के डिज़ाइन, मतलब ये जो आर्टिफैक्ट है उसमें एक्चुअली ऐसा पता चलता है कि जो प्लफ प्लफिंग होती थी वो एक्चुअली रेक्टेंगल उस पर क्रॉस पैटर्न पर हुआ करती थी, 90 डिग्री एंगल पर। तो ऐसा भी माना जाता है कि दो तरह की खेती एक साथ कर देते वो, पेस्टोरलिज्म है, क्राफ्ट्स किस तरीके के। और बाद में जब ये हड़प्पन सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई थी, तो एक ब्रेक अर्ली लेट हड़प्पन सिविलाइजेशन भी आती है। लेट हड़प्पन सिविलाइजेशन क्या, बेसिकली रूरल सिविलाइजेशन थी। ये जो सिविलाइजेशन थी हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली की फर्स्ट जो सिविलाइजेशन है वो अर्बन सिविलाइजेशन है, बाद में रूरल सिविलाइजेशन आई थी, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सब्सिस्टेंस स्ट्रेटजी, मतलब किस तरीके से रहते थे। दिस कल्चर ऑल्सो शेयर सर्टेन कॉमन एलिमेंट्स इंक्लूड सब्सिस्टेंस स्ट्रेटजीज, ए वाइड रेंज ऑफ प्लांट, एनिमल प्रोडक्ट, एनिमल प्रोडक्ट भी खाते थे, और इंक्लूडिंग फिश भी बोलते हैं कि ये यूज़ क्या करते थे। कभी भी एग्जाम में पूछा तो फिश खाते थे या नॉन वेजिटेरियन थे कि नहीं, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो नॉन वेजिटेरियन थे, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। ये खाने की जो स्टाइल पता करते हैं, खाना किस तरह का खाना पीना रहता है ना, डाइटरी जो प्रैक्टिस होती है, तो आर्कियो बॉटनिस्ट होते हैं वो एक्चुअली पता करते हैं इसके बारे में, और जो जानवर वगैरह के बारे में, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स के बारे में पता करते हैं वो आर्कियो जूलॉजिस्ट बोलते हैं उनको। अब देख लेते हैं किस तरह के सीड्स वगैरह यूज, मतलब ग्रीन्स कौन कौन से यूज़ होते थे। यहाँ व्हीट यूज़ होता था, बार्ले यूज़ होता था, लेंटिल यूज़ होता था, चिकपी यूज़ होता था, सीसम यूज़ होता था। पटेटो का देखिए आप में कहीं इसका नाम नहीं है, पटेटो बेसिकली हमारे पुर्तगाल से इंडिया में आए थे, ज़्यादा नहीं, 200-300 ईयर्स बिफोर ही आए थे, ज़्यादा पुराने नहीं है। लेकिन पटोटो जिस तरह से खाते हैं ऐसा लगता है कि यहाँ पता नहीं हद सदियों से चल रहा होगा। मिलेट्स गुजरात में मिले थे, राइस मिले हैं, लेकिन राइस बहुत रिलेटिव रेयर है। और वैसे भी ये जो पार्ट है इसमें एक्चुअली आप देखेंगे तो राइस कल्टीवेशन एक्चुअली क्या रिसेंट में ही शुरू हुआ है इसमें, हालांकि नदी थी इस एरिया में, कभी भी राइस कल्टीवेशन ऐसा कुछ खास नहीं था। आप देखेंगे तो पहले वीट वगैरह में ही सबसे ज़्यादा कल्टीवेशन होता था। राइस क्या अभी कुछ 10-15 साल या 20 साल का मान लीजिए, तब से कल्टीवेशन शुरू हुआ है स्पेसिफिकली ये जो हमारा पंजाब वाला एरिया है उसके अंदर, क्योंकि पानी बहुत है तो राइस एरिया में ज़्यादा नहीं था, रिलेटिवली रेयर था। डोमेस्टिकेट एनिमल्स बोन्स मिलती हैं उनको, कैटल की मिली हैं, शीप की मिलती है, गोट वाली मिलती है, बफेलो पिक भी यहाँ पर मिलते हैं, तो इनकी बोन्स से इसका पता चलता है कि यहाँ पर ये जो एनिमल्स थे इनके डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स थे। हालांकि घड़ियाल, डियर, बोर, इनकी बोन्स वगैरह भी यहाँ पर मिलती है। अब ये पता नहीं कि, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि ये जो थे वो हंटिंग करते थे कि नहीं, ये बोर, डियर, घड़ियाल,
लेकिन ये पता नहीं था कि हड़प्पन से एक्चुअली हंटिंग में इन्वॉल्व थे कि नहीं, अभी इसके कोई एविडेंस नहीं मिले। इसका कारण ये भी है कि जो उसकी जो राइटिंग स्टाइल है उसको कम्प्लीटली डिसाइफर नहीं किया कर पाए अभी तक। कर लिया टू एन एक्सटेंट कर लिया, लेकिन 100% उसमें कुछ भी श्योरिटी नहीं है। तो जो भी इन्फॉर्मेशन हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में मिलती है वो बेसिकली उसके मटेरियल एविडेंस से ही मिलती है। जो मटेरियल्स जो मिले ना, किस जैसे बीड्स हुए, आर्टिफैक्ट्स हुए, स्टैचूज़ वगैरह हुई, है ना, और कुछ भी मतलब जो डेली यूज़ का आइटम था जैसे मिरर वगैरह, इससे ही पता करने की कोशिश की गई है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन किस तरह की सिविलाइजेशन थी। बाकी ऐसा कोई रिटन एविडेंस नहीं है कि बहुत इंस्क्रिप्शन नहीं मिलते हैं वहाँ पर कोई। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी किस तरह की यूज़ करते थे, ये एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट है पता करना किस तरह की एग्रीकल्चर प्रैक्टिस यूज़ होती थी। क्या जैसे कि मान लीजिए खेती तो करते थे, ये तो पता है खेती करते थे, वो प्लफिंग मतलब फील्ड की प्लफिंग करते थे, लेकिन अब उसमें कैसे करते थे, ब्रॉडकास्ट करते थे मतलब फेंकते थे सीडों को, या पहले प्लफ करते थे और फिर डालते थे, जैसे कि अभी हाल फिलहाल में इसको यूज़ किया जाता है। और लेकिन ये जो बुल का जो टेराकोटा बुल है, इसका एक्चुअली ये जो डिस्क्रिप्शन मिलता है ये टेराकोटा बुल, इससे पता चलता है कि उसको था, बुल्स तो थे, प्लफिंग होती थी, सब चीज़ थी। जो एविडेंस मिले हैं प्लफिंग फील्ड के, ये राजस्थान कालीबंगा में मिले हैं, और ये टेरो मैं बताया ना इसे बनावली में मिला है प्लफ, ये चौलिस्तान के अंदर मिला है। चौलिस्तान आप मैप पे देखिएगा, मैप पे चौलिस्तान कहाँ पर है इसमें नहीं दिखाया, ऊपर मैप बना है उसमें दिया होगा। और आप ये देख सकते हैं फील्ड होती थी उसमें कि टू सेट्स ऑफ फरोज होते हैं, फरोज मतलब जो खेती करते हैं बनाते हैं खेती के लिए जगह, वो फरोज वो राइट एंगल्स पे होती थी। तो ईच अदर सजेस्ट कि द टू टू डिफरेंट क्रॉप्स वर ग्रोन टुगेदर, जो दो डिफरेंट डिफरेंट तरह के क्रॉप्स उगाए जाते थे। और ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स भी मिलती हैं, कैनाल्स क्या शॉर्टुगई अफगानिस्तान में सबसे ज़्यादा मिलते, इसके एविडेंस मिलते हैं। अब कन्फ्यूज़ करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है पंजाब सिंध में मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं, लेकिन शॉर्टुगई अफगानिस्तान में सबसे ज़्यादा कैनाल्स के जो ट्रेसेस है वो मिले हैं हड़प्पन साइड में, ना कि पंजाब या सिंध में नहीं मिलते। पंजाब या सिंध अगर आप देखना चाहें तो ये वाला जो एरिया दिखा देता हूँ, ये जो एरिया है पंजाब सिंध का एरिया है, जो भी इंडस इंडस रिवर है इसको सिंधु रिवर भी बोलते हैं। तो इसके चारों तरफ जो भी एरिया इससे एक तरह से ड्रेन होता है या कह सकते हैं यूज़ किया जाता है, तो उसको सिंधु एरिया बोलता है, इसे सिंध इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट बोलते हैं उसको। तो इसमें नहीं थी, बल्कि यहाँ पर इसके जो कुछ और एग्जाम्पल अफगानिस्तान में मिले उससे पता चलता है कि वहाँ पर कैनाल्स भी थी इस सिविलाइजेशन। चोलिस्तान, इसमें चोलिस्तान नहीं दिया। वाटर रिजर्व धोलावीरा गुजरात में वाटर रिजर्वे मिला है, तो इसको आप देख सकते हैं कॉपर टूल्स। हाँ एक चीज़ और है इसमें सबसे ज़्यादा कि इसमें अगर कभी सवाल आ जाए कि किस तरह की टूल्स वगैरह यूज़ करते थे, इसमें मेटल्स जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो कॉपर टूल्स होता है, सबसे ज़्यादा हुआ है कॉपर टूल्स। मतलब ओमान तक जो आज प्रेजेंट ओमान है उसको पुराने टाइम में इसके टाइम पे मगन मगन नाम से बोला जाता था। मगन एक्चुअली क्या है, ये हमारी जो इसकी जो स्क्रिप्ट है उससे पता नहीं चलता है, मगन के बारे में पता चलता है जो मेसोपोटामिया में जो इंस्क्रिप्शन लिखे हैं उससे, कि वहाँ पर कुछ लोग आते थे उसको ओमान के एरिया को मगन बोलते थे। ये धोलावीरा का रिजर्वेयर है, ये क्वेंस हैं जो उस वक्त बने थे, मतलब घर में कुछ काम आते होंगे। मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो में एक्चुअली क्या, हड़प्पन मैंने आपको बताया कि हड़प्पन जो साइट थी वो सबसे पहली साइट थी जो डिस्कवर हुई थी, लेकिन जो सबसे अच्छी साइट डिस्कवर हुई है शुरुआत में वो मोहनजोदाड़ो है, सेकंड नंबर पे जो कह सकते हैं एक तरीके से। सेकंड नंबर की जो साइट है वो सबसे अच्छी तरह मतलब उसमें आर्टिफैक्ट्स वगैरह और जो उसका डिस्क्रिप्शन है वो अच्छा मिलता है, जो हड़प्पा में नहीं मिलता। हड़प्पा में नहीं मिलने का और भी कारण है, उसके बारे में भी बताएंगे, क्योंकि जो शुरुआत में जो आर्कोलॉजिकल लोग थे उनका जो मतलब स्टाइल था आर्कोलॉजी करने का या एक्सकवेशन करने का, खुदाई वुदाई जो करना है, वो एक्चुअली किस इस तरीके का था कि उसके एविडेंस जो है हड़प्पा के वो काफ़ी हद तक एक्सीडेंटली या इंटेंशनली अनइंटेंशनली, वैसे मोस्ट चांसेस तो अनइंटेंशनली कही हैं, वो क्या लॉस्ट हो गए। और इंटेंशनली ये है कि कुछ लोग जो उसके बारे में बिल्कुल ही नहीं जानते थे, वो उन्होंने क्या जो उसका आर्टिफैक्ट हुए वो खुद ही यूज़ कर लिए, या वो अनयूज दिखे तो उन्होंने वो तोड़ ताड़ दिए होंगे, तो वो कभी शुरुआती एविडेंस कभी लाइट में आई नहीं। तो मोहन जोदाड़ो की जो साइट है वो एक्चुअली फर्स्ट साइट है
मतलब मोस्ट वेल नोन साइट है, लेकिन पहली साइट है वो हड़प्पन साइट है। अर्बन जो फीचर्स होते हैं ना वो उसका एक आप ध्यान रखें, अर्बन फीचर में क्या राइटिंग वगैरह सब चीज़ इन्वॉल्व होती है, रूरल जो साइट्स होती है उनमें राइटिंग वगैरह नहीं इन्वॉल्व होती। द प्लाइट ऑफ हड़प्पा, ये एक्चुअली जो साइड में जो ब्लॉक है ब्लू कलर का, इसको आप देखिए, इसमें है, इसमें ये अलेक्जेंडर कनिंघम, इसमें बताया हुआ कि रॉबर्स ने एक्चुअली हड़प्पन साइट को वो डिस्ट्रॉय कर दिया था, उसके ब्रिक वगैरह लेके चले जाते थे ये, है ना। तो ये एक रॉन्ग चीज़ थी जिसके कारण भी हड़प्पा के जो एविडेंस है वो सारे डैमेज हो गए। जो मोहनजोदड़ो थे उसके एक्चुअली जो प्रिजर्व रह गए। तो अलेक्जेंडर कनिंघम को फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी बोला जाता है, और ये फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया थे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही है, द सिटाडेल ओज, इसमें जो था ये हड़प्पा सिविलाइजेशन थी, इसमें क्या था कि दो तरह के स्ट्रक्चर मिले हैं, मतलब जो इसका पूरा जो अगर आपका आर्किटेक्चर लेइंग ऑफ फाउंडेशन है उसको देखा जाए तो वो दो तरीके की, एक तो सिटाडेल है ना, ये सिटाडेल ये वेस्टर्न साइड में रहती थी और ये ईस्टर्न साइड में रहता था, ये लोअर टाउन है। सिटाडेल को क्या ये अपर टाउन भी बोलते हैं, अब छोटा एरिया होता था कंपैरेटिवली, लेकिन ये जो होता था वॉल्ड है, अगर ज़्यादातर जगह देखा जाए मोहनजोदड़ो वगैरह में, ये क्या है ये चारों तरफ से वॉल्ड लगी हुई है इसमें, है ना। तो इसलिए बोलते हैं कि ये क्या है? शायद किसी स्पेशल पर्पज़ के लिए, स्पेशल पर्पज़ के लिए ये यूज़ होता था। और जो ये क्या कहते हैं लोअर टाउन है, ये एक्चुअली किसी स्पेशल पर्पज़ के लिए नहीं, यहाँ लोग वगैरह रहते थे, इसके लिए ये यूज़ होता था। जो सिटाडेल था वो एक्चुअली के हाइट पे बना हुआ था, वहाँ पर ब्रिक्स यूज़ की गई थी, ब्रिक प्लेटफॉर्म था उसको यूज़ किया जाता है। ये चारों तरफ से वॉल्ड था, वॉल्ड मतलब चारों तरफ से इसके बाउंड्री बनी हुई थी। लोअर टाउन जो था, लोअर टाउन था वो भी एक्चुअली वॉल्ड था, लेकिन उसमें सेवरल बिल्डिंग्स थी, एनवायरन प्लेटफॉर्म। जो कि फाउंडेशन के लिए यूज़ होती थी। और इस पर जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में मतलब ये कंस्ट्रक्शन वगैरह, इसमें एक्चुअली इतने लोग यूज़ हुए थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर अगर ये माना जाता है कि एक लेबर अगर रफली 1 क्यूबिक मीटर ऑफ अर्थ डेली अगर उठाता है, 1 क्यूबिक मीटर होता है कि मतलब 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर ब्रेथ और 1 मीटर डेप्थ। हालांकि इसे ज़्यादा करते हैं अगर देखा जाए तो, प्रैक्टिकली लोग इसे ज़्यादा करते हैं, लेकिन अगर हम 1 क्यूबिक मीटर से माने कि वो पूरे दिन में 1 क्यूबिक मीटर मतलब मीटर निकालते थे, तो इसमें एक्चुअली मिलियन पर्सन्स लगेंगे, 4 मिलियन, लेकिन 40 लाख। इससे पता चलता है कि कितने लार्ज स्केल पे लोग लगे होते हैं। अगर 40 लाख ना, लाखों ना भी माने तो हज़ारों लोग लगे होंगे, 30-40 हज़ार तो लग ही गए होंगे। तो यानी बहुत बड़े स्तर पर मोबिलाइजेशन था लोगों का, लेबर का। इसमें प्लानिंग काफ़ी अच्छी हुई थी, यहाँ पर ब्रिक्स की पहले बनाई गई है, और इसका लेइंग पैटर्न वो भी बहुत ही अच्छा है। ब्रिक्स में भी एक खास बात ये थी कि जो ब्रिक्स थी ये ऐसी आड़ी टेढ़ी तिरछी नहीं थी, बिल्कुल उनका फिक्स रेशियो था, और ये लगभग पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन में, चाहे मोहनजोदड़ो हो, चाहे हड़प्पा हो, चाहे कहीं और मिलती हो, इसका लगभग रेशियो बिल्कुल सही सा रहा है। इनका रेशियो हमेशा जो हाइट होती थी उसकी, उसके ट्वाइस जो ब्रेथ होती थी वो होता था, और 4 टाइम उसका लेंथ होती थी हाइट का। इस तरीके से ब्रिक का एक रेशियो था फिक्स, और सब जगह इस तरीके से ही मिलता है। तो ये इससे भी पता चलता है कि प्लानिंग बहुत बड़ी स्तर पर थी, और लोग एक्चुअली जो डिसीजन मेकिंग बॉडी थी वो काफ़ी, उसके डिसीजन काफ़ी दूर दूर तक माने जाते थे। ड्रेन स्ट्रक्चर, ये जो साइड में पर्सन खड़ा है ये एक्चुअली ड्रेन है, तो इससे पता चलता है कि उसको कितना बड़ा ड्रेन उसके लिए बनाया गया था, यानी साफ़ सफाई का काफ़ी ध्यान रखते थे, और प्लानिंग बहुत ज़्यादा थी। क्योंकि जहाँ अनप्लान जगह होगी, भले कॉलोनी बनेगी अनप्लान तो उसमें ड्रेन नहीं बनेगी, लेकिन जहाँ पे प्लानिंग होगी वहीं पर ड्रेन्स बनती हैं। और इसमें रोड्स थी, उसके सबसे पहले स्ट्रीट्स, उस पर ड्रेन बनाए गए, उसके बाद घर बनाए, और घर की एक्चुअली क्या है इस तरीके से बनाए गए थे ज़्यादातर इसमें घर। एक ख़ास बात ये कि ये प्राइवेसी का बहुत ध्यान रखते थे, तो घर हमेशा इस तरीके से बनाए गए थे कि जो रोड था वहाँ पर एक्चुअली दीवार रहती थी और दूसरी तरफ से दरवाजे रहते थे, और जो एंट्रेंस थी उससे बीच में जो कोर्टयार्ड था वो कभी दिखाई नहीं देता था। सॉरी,
सिटाडेल के बारे में, एस साइड से धोलावीरा लोथल एंटर सेटलमेंट्स आर फोर्टिफाइड एंड सेक्शन विद इन द टाउन आर ऑल्सो सेपरेट बाय वॉल्स। सिटाडेल विद इन लोथल वॉज नॉट वॉल्ड ऑफ। जो लोथल में जो सिटाडेल मिलता है वो एक्चुअली क्या वॉल्ड नहीं है, वो चारों तरफ से उसका ये पैटर्न अलग है, बाकी सब जगह पे सिटाडेल वॉल्ड है। लोअर टाउन में वॉल्ड है लेकिन लोथल में है, वहाँ पे सिटाडेल वॉल्ड नहीं है। डोमेस्टिक आर्किटेक्चर देख लेते हैं। लोअर टाउन में ऑब्जर्व प्रोवाइड्स एग्जाम्पल रेजिडेंशियल बिल्डिंग। तो लोअर टाउन तक उसमें एक्चुअली रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनती थी। रेजिडेंशियल बिल्डिंग में एक कोर्ट यार्ड होता है, चारों तरफ रूम वगैरह होते हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और इसमें हमेशा प्राइवेसी का ध्यान रखा गया। देर वॉज नो विंडो इन द वॉल्स अलोंग द ग्राउंड लेवल। जो ग्राउंड फ्लोर लेवल था उस पर एक्चुअली विंडो नहीं थी। बिसाइड द मेन एंट्रेंस भी जो था, अगर घर के अंदर भी अगर कोई घुसने की कोशिश करेगा मेन एंट्रेंस से, तो उसको पहले जो साइड में जगह दिखाई देगी वो कोर्ट यार्ड था, होता था एक्चुअली। इनमें कोर्ट यार्ड मतलब बीच में एक बड़ा सा, जैसे जिसको बोलते हैं ना उनका हॉल समझ लिए, एक बीच में बड़ा सा हॉल होता था, वो नहीं दिखाई देता था, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर शायद महिलाएं रहती होंगी, करके काम वाम करती हैं, तो वो एक्चुअली डायरेक्ट विजिबल नहीं रहता था। हर गम में अपने खुद के बाथरूम थे, जो जिसमें ब्रिक्स लगी हुई थी, ड्रेन सिस्टम लगा हुआ था। और हर घर में अपने वेल्स थे, है ना, मतलब 700 कुएं मिले मोहनजोदड़ो में, बताइए। सिटाडेल के बारे में, सिटाडेल एक्चुअली क्या स्पेशल पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाने वाला ऐसा माना जाता है। 100% तो किसी को पता नहीं है, लेकिन फिर भी जो वो है कि क्या कहते हैं, किस सिटाडेल किस लिए यूज़ किया होगा। सिटाडेल इट इज़ वन ऑफ द इट इज़ ऑन द मतलब स्पेशल पर्पज़ के लिए यूज़ की जाने वाली जगह थी। यहाँ पर एक ग्रेट बाथ था, इसका एक ग्रेट बाथ हमेशा पूछा जाता है कि ग्रेट बाथ कहाँ मिलता है। ये बेसिकली मोहनजोदड़ो में मिला है, इसका भी आप ध्यान रखिएगा। ये ग्रेट बाथ था, ये बहुत ही कॉमन मतलब बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इसमें जो ग्रेट बात था, इसमें एक्चुअली जाने के लिए सीढ़ियाँ थी, जो जो इसके नॉर्थ और साउथ साइड में होती थी, ईस्ट और वेस्ट में नहीं होती थी। ये ध्यान रखिए, नॉर्थ और साउथ साइड में ये सीढ़ियाँ होती थी जो सीधे टैंक के अंदर तक जाती थी। और इसके चारों तरफ देवर रूम्स ऑन थ्री साइड्स इन वन ऑफ विच वॉज ए लार्ज वॉल। एक वेल था उसमें, मतलब जो ये ग्रेट बात था, इसके तीन तरफ कमरे थे, और उन कमरों में से एक रूम ऐसा भी था जिसमें एक्चुअली बड़ा सा कुआ था। तो ये पता नहीं किस पर्पज़ के, ऐसा बोला जाता है शायद रिलीजियस पर्पज़ के लिए, या कभी कभार कोई पर्पज़ के लिए यूज़ करते होंगे। मोस्ट प्रॉब्ली ये है कि अगर हम आज के हिसाब से देखें, प्रेजेंट से हम पास्ट में जाते हैं, तो ये देख सकते हैं कोई रिलीजियस पर्पज़ होता होगा, तभी इतने लोग इकट्ठे होते हैं जनरली, या किसी का फंक्शन वंक्शन रखते होंगे। अब सोशल डिफरेंसेस के बारे में कैसे पता करें, ये एक्चुअली लाइफस्टाइल के बारे में, मोहनजोदड़ो इंडस वाली सिविलाइजेशन के बारे में, लाइफस्टाइल कैसी रहती है। अब सोशल डिफरेंसेस पता करने हो, जैसे अमीर गरीब का बेसिकली पुराने तो यही सोशल डिफरेंसेस होते हैं कि एक मतलब क्लास अमीर होती है, एक क्लास गरीब होती है, तो उसको किसी भी नाम से मान लीजिए, बेसिकली डिफरेंस तो अमीरी गरीबी का ही रहता है। तो ये कैसे पता, जैसे बरेल्स बरेल से, जैसे मेसोपोटामिया वगैरह में जैसे क्या होता था, सबसे ज़्यादा अंदाजा तो यहीं से लगा जाता है। मेसोपोटामिया में क्या होता था कि जो अमीर लोग होते थे उनके साथ वेल्थ वगैरह भी दफनाई जाती थी, कपड़े अच्छे होते थे, है ना, सोना चांदी के जो भी गोल्ड, और उसको चांदी तो क्या, गोल्ड और ये डायमंड्स एमरल्स वगैरह उनके साथ दफनाए जाते थे। तो यहाँ पर भी है इस तरह का, जैसे मिरर, गोल्ड प्लेटेड मिरर वगैरह जो दफनाएगा, तो ऐसा लगता है कि ये जो लोग होंगे ये अमीर लोग होंगे। ये कॉपर मिरर है, ये जो पिक्चर आपको देख रहा है कॉपर मिरर, कॉपर मिरर से इससे पता चलता है कॉपर बहुत ज़्यादा यूज़ होता था। और एक और बात है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन की एक सिविलाइजेशन कालीबंगा सिविलाइजेशन राजस्थान में खेतड़ी के पास मिलती है वो, और खेतड़ी में कॉपर बहुत निकलता था, तो कॉपर का काफ़ी यूज़ है यहाँ पर। गोल्ड का, गोल्ड रेयर था, गोल्ड भी यूज़ होता था लेकिन रेयर मटेरियल था, जैसे आज भी प्रेजेंट में भी गोल्ड एक रेयर मटेरियल है, मतलब कम ही होता है अवेलेबल। तो गोल्ड उस मोहनजोदड़ो के टाइम पे और हड़प्पन के टाइम पे भी गोल्ड काफ़ी यूज़ होता, मतलब था गोल्ड। ये कुछ इंस्टेंसेस में जो मृत लोग थे उनको एक्चुअली कॉपर मिरर के साथ ही दफनाया गया था, मिरर लगता है। लेकिन हड़प्पन्स के है ना जो बिलीव था कि वो एक्चुअली वो बिलीव नहीं करते थे कि जो बरिंग है, मतलब जो आदमी को दफनाया जा रहा है, वो प्रीशियस
या अमीर वाली चीज़ें या गोल्ड वगैरह के साथ दफनाया जाए। मेसोपोटामिया में ऐसा नहीं था, जो खास तौर से इजिप्ट वगैरह में आप देख सकते हैं, इजिप्ट वगैरह में ऐसा नहीं था। यहाँ पे तो जो बड़े बड़े पिरामिड मिले हैं उसमें लोग गोल्ड वगैरह पता नहीं किस किस चीज़ के साथ उनको दफनाया गया, लेकिन हड़प्पन सिविलाइजेशन में ही था। अब इससे पता चलता है कि बरिंग होती थी यहाँ पर, बर्न नहीं किया जाता। जो हमारे जैसे हमारा कल्चर है उसमें एक्चुअली क्या है, देखा जाए तो क्या कहते हैं लोगों को जलाया जाता है, लेकिन इन मतलब हिंदू कल्चर जो है उसमें लोगों को जलाया जाता है, लेकिन हड़प्पन सिविलाइजेशन में बरिंग थी। इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि और हो भी सकता है कि जलाए भी गए हों, लेकिन उसके जला दिए हों तो वैसे उसके साथ कोई किसी तरह के एविडेंस मिलना पॉसिबल नहीं है। तो जो सिर्फ बरिंग थी उसी से हमें कुछ अंदाज़ा लगता है। लुकिंग फॉर लग्जरीज, लग्जरीज ये लग्जरीज इसलिए सोशल डिफरेंस पता करने के लिए। तो यहाँ पे ये फैन स्पोर्ट है, फैन स्पोर्ट मतलब जो अच्छी मिट्टी जो चमकदार मिट्टी के साथ बनते हैं ना बर्तन, वो ये इससे पता चलता है कि सोशल डिफरेंसेस के बारे में किस तरह की चीज़ें यूज़ होती थी। लेकिन इसमें एक खास बात और है कि ज़्यादातर जो भी आर्टिफैक्ट मिलते हैं, अगर आप खुद भी सोचें तो ज़्यादातर आर्टिफैक्ट मिलते हैं वो आर्टिफैक्ट मिल सकते हैं जो या तो खो गए हों लोगों से या लोगों ने फेंक दिया हो कि अनयूज समझ के, अनइम्पॉर्टेंट समझ के, जो किसी ने यूज़ नहीं किया और टूट फूट गए हो इस तरीके से, है ना। अदरवाइज कोई कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी या कोई और भी अच्छी चीज़ होगी तो उसको रिसाइकिल किया गया होगा। तो एक थोड़ा सा जो डिफरेंस आता है ओपिनियन की उस वक्त कैसी लाइफ हो सकती है, क्योंकि मटेरियल एविडेंस से ही पता चल रहा है सब हड़प्पा के बारे में, तो कैसी लाइफ हो सकती है इसका पता ऐसे ही किया जाता है कि यार ये भी हो सकता है कि ये जो चीज़ें थी ये अनयूज थी या कम इम्पॉर्टेंट थी, लेकिन फिर भी इनकी क्वालिटी अच्छी थी। इससे पता चलता है कि हाँ वहाँ पर कुछ डिफरेंसेस भी थे। हर पॉट जो मिला वो फैंस पॉट नहीं है, मतलब अच्छी मिट्टी का नहीं है, थोड़े से कम खराब मतलब क्वालिटी के भी मिलते हैं। तो इससे डिफरेंसेस का पता चलता है कि लग्जरीज किस तरीके से यूज़ करते थे। जो रेयर ऑब्जेक्ट्स हैं जो वैल्यूबल मटेरियल के बने होते थे वो लार्ज सेटलमेंट में सबसे ज़्यादा मिलते हैं, मोहनजोदड़ो हड़प्पा वगैरह में ज़्यादा मिलते हैं। स्मॉलर सेटलमेंट्स यानी कालीबंगा हुआ जैसे एक, है ना, चोलिस्तान वगैरह, ये इनमें क्या है स्मॉल सेटलमेंट, इनमें इतने ज़्यादा नहीं मिलते। जैसे मिनीचर पॉट ऑफ फाइंस पर्स यूज बाय परफ्यूम बॉटल्स, जो छोटे बॉटल्स यूज़ होती थी फाइंस की, वो परफ्यूम बॉटल के तौर पर यूज होते हैं, मोहनजोदड़ो हड़प्पा में बहुत मिलती है, वो कालीबंगा में नहीं मिलती। गोल्ड भी मिलता था लेकिन थोड़ा रेयर था, जैसे आज प्रेजेंट में रेयर है। तो गोल्ड ज्वेलरी हड़प्पन साइड से बहुत मिलती है। होर्ड्स मतलब होर्ड्स में मतलब क्या लोग इकट्ठा करके रखते थे ज्वेलरी वगैरह। क्राफ्ट प्रोडक्शन के बारे में सबसे अच्छा एग्जांपल मिलता है चहुंदाड़ो में। चहुंदाड़ो कहाँ पर था अगर आप देखेंगे तो, सॉरी फर्स्ट पेज पर चलते हैं एक बार देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। चहुंदाड़ो कहाँ था, चहुंदाड़ो अगर हम देखें तो ये इंदस रिवर के नज़दीक था और सी जो कोस्टल एरिया था उससे काफ़ी दूरी पर था। ये देखिए ये चहुंदाड़ो, ठीक है। तो ये अच्छा क्राफ्ट प्रोडक्शन की जगह थी, यहाँ पर क्राफ्ट का प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा होता था। क्या चलते हैं हम नीचे, ये जो चारों वहाँ पे सिर्फ क्राफ्ट प्रोडक्शन के काम से ज़्यादा था, स्पेशली बीड मेकिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती थी, शेल कटिंग, मेटल वर्किंग, सील मेकिंग, वेट मेकिंग वगैरह। असल में क्या था कि ये नदी किनारे बसी हुई सभ्यता थी, तो आने जाना हो सकता है, बोट वगैरह यूज़ करते हो तो उससे क्या ट्रांसपोर्टेशन ईजी रहता था, ऐसा हो सकता है। तो इसके कारण से यहाँ पर ये ज़्यादा अच्छी फैक्ट्री लगी हुई है। स्टोन्स सबसे ज़्यादा मेटल जो यहाँ मिलते, स्टोन्स जो चीज़ें मिलती कार्नेल और ब्यूटीफुल रेड कलर, है ना, इस तरह की चीज़ें मिलती, जेस्पर की, क्रिस्टल की, क्वार्ट्स की, स्टेटाइट, स्टेटाइट मटेरियल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। स्टेटाइट एक स्पेसिफिक मटेरियल है जो इसका इसमें बहुत ज़्यादा नाम आया है, इसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में। मेटल्स था स्पेशली कॉपर था, ब्रोंज था, गोल्ड था, इसमें आप देखें आयरन ओर का नाम नहीं है। आयरन ओर वैसे भी बहुत बाद में डेवलप मतलब एक्सट्रैक्ट हुआ है, तो इस आयरन ओर का नाम इस सिविलाइजेशन में नहीं है, कॉपर ब्रोंज एंड गोल्ड ये हैं। और इनकी शेप्स भी बहुत अलग अलग तरह की थी, जो बीड्स वगैरह बनाते थे ये आप देख सकते हैं, गोल है ना, स्फेरिकल होते थे, बैरल शेप्ड होते थे, सेगमेंटेड होते थे, इस तरीके से चीज़ें रहती हैं। स्पेशलाइज ड्रिल्स हैव बीन फाउंड चानोदाड़ो, लोथल, मोर रिसेंटली धोलावीरा, यहाँ स्पेशलाइज ड्रिल्स मिली हैं, पॉलिशिंग वगैरह काम करने का आते थे। ये देखिए आप बर्तन कितने चमक रहे हैं इस तरीके के, ये अभी ठीक है, कितने अच्छे लग रहे हैं, तो सोचो हो सकता है जब बने होंगे तब तो कितने अच्छे लगते होंगे। नागेश्वर, बालाकोट, अगर ये जो दो और सिविलाइजेशन है ये आपको पता हो तो ये कोस्टल सिविलाइजेशन है, कोस्ट के नज़दीक थी।
इसलिए यहाँ पर एक्चुअली क्या आपको कई ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो विदेशों में मिलती थी, स्पेसिफिकली ओमान में। ओमान से इसका काफ़ी अच्छा कनेक्शन बताया गया है कि यहाँ पर एक्चुअली जो था ट्रेड काफ़ी अच्छा होता था। ये टेराकोटा फिगरान है। टेराकोटा फिगरान मतलब क्ले मिट्टी वगैरह के जो बर्तन होते हैं, मिट्टी से कोई चीज़ बनती है उसको टेराकोटा से बोला जाता है। ये जो जितने भी नागेश्वर बालाकोट सिविलाइजेशन थी, यहाँ पर सबसे ज़्यादा शेल ऑब्जेक्ट्स की चीज़ें बनती थी, बेंगल्स, लेडल्स, इनले वगैरह, क्योंकि यहाँ पर कोस्टल था तो शेल्स बहुत निकलते थे। और यहाँ से जो चानुदाड़ो, लोथल वगैरह में, जो नागेश्वर बालाकोट में कोई भी चीज़ बनती थी तो वो आप देख सकते हैं बड़े सेटलमेंट की तरफ चीज़ें ले जाते हैं। ऐसा होता ही है, छोटे एरिया में जो चीज़ें बनती हैं उसको बेचने के लिए वो बड़े शहरों में जाते हैं। तो यानी जो हड़प्पा और ये मोहनजोदाड़ो थे, ये एक्चुअली यहाँ पर ट्रेडिंग भी अच्छी होती थी, मार्केट रहते थे। क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था मोहनजोदाड़ो हड़प्पा वगैरह में, है ना। और ये कॉपर ब्रॉन्ज वेसल, ये देखिए कॉपर और ब्रॉन्ज वेसल मिलते हैं यहाँ सबसे ज़्यादा। अब मेटल का मटेरियल कहाँ से आता था? मटेरियल देखिए तो क्या, जो मिट्टी तो टेराकोटा तो वो तो मिल ही जाएगा आसपास ही। और दूसरी चीज़ें क्या होती थी, सब कॉन्टेंट्स आते थे शॉर्ट दुगाई से। जैसे यहाँ से लेपिस लजूली बहुत मिलता था शॉर्ट दुगाई यहाँ, इसको आप ध्यान रखिएगा। लेपिस लजूली ये पूछा हुआ है कई बार, लेपिस लजूली काफ़ी एक अच्छा स्टोन था ये, मतलब मटेरियल था, ब्लू स्टोन होता है, डेट वॉज वेरी अपेरेंटली वेरी हाईली प्लेस्ड, इसमें हाईली वैल्यूड। लोथल विच वर नियर सोर्सेज ऑफ कार्नेलियन, रेड कलर का जैसा आप ऊपर बताया, वो भारूच गुजरात में मिलता था, स्टीटाइट था वो राजस्थान से मिलता था, और नॉर्थ ऑफ गुजरात से मिलता था यानी सदर्न पार्ट में मिलता होगा। मेटल फ्रॉम राजस्थान, खेतड़ी, मेटल फ्रॉम राजस्थान बेसिकली खेतड़ी की, खेतड़ी से कॉपर के बारे में बात कर रहे हैं। एक्सपीडिशन भी सेंड करते थे, जैसे राजस्थान खेतड़ी से उन्होंने कॉपर लिया। ओकेशनल फाइंड्स ऑफ हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स सच स्टीटाइट माइक्रो बीट्स इन दीज एरियाज आर इंडिकेशन ऑफ सच कॉन्टैक्ट। ऐसा भी है कि कोई जो माइक्रो बीट्स मिलती है एक्चुअली यहाँ पर, इसी से पता चलता है कि कॉन्टैक्ट्स थे। साउथ में भी बेचते थे, साउथ में एक्चुअली क्या है, गोल्ड के लिए भेजा करते थे, है ना। गणेशवर सिविलाइजेशन राजस्थान में, जोधपुर, गणेशपुर, जोधपुर कल्चर, है ना, विद इट्स डिस्टिंक्टिव नॉन हड़प्पन पॉटरी एंड अनयूजुअल वेल्थ ऑफ कॉपर ऑब्जेक्ट्स। इट इज़ पॉसिबल द इनहेबिटेंट्स ऑफ दिस रीजन सप्लाइड कॉपर टू द हड़प्पन, जो मैंने कहा कि यहाँ से आपको कॉपर, मतलब जिस सिविलाइजेशन कॉपर वगैरह मिलता था। अभी देख लीजिए विदेश के सिविलाइजेशन देख लेते हैं। विदेश के सिविलाइजेशन एक्चुअली ये मगन जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें बार बार नाम आएगा ये मगन का, तो ये ओमान है एक्चुअली। ओमान ये इससे, ये मेसोपोटामिया से पता करते हैं कि ओमान की, यहाँ ओमान के बारे में बात की जा रही है। ये जो वैसल है ब्लैक कलर का, इसमें एक्चुअली कहते हैं ये ओमान में बहुत मिला है। और इस पर जो इंस्क्रिप्शन मिलते हैं वो एक्चुअली क्या है, इंग्रेविंग है, वो एक्चुअली क्या है, हड़प्पन सिविलाइजेशन से मेल खाती है। तो ऐसा बताया गया कि इसी में कोई चीज़ लेके जाते होंगे जो वहाँ पर दे देते होंगे ओमान वगैरह में, तो लोग रख लेते होंगे। और ओमान से कॉपर का एक्चुअली बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट किया जाता था। कॉपर वाज ऑल्सो प्रॉब्ली ब्रॉड फ्रॉम ओमान, यानी खेजरी से नहीं, ओमान से भी जाते हैं। केमिकल ने सब शोन बोथ द ओमानी कॉपर हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स ऑफ ट्रेसेस ऑफ निकल, जो एक केमिकल एनालिसिस किया गया उसमें एक्चुअली पता चला है कि जो ये ओमानी कॉपर होता है ना उसके अंदर निकल मिलता है। नहीं ये वाली लाइन आप जब पढ़ोगे ना, तो ये ओमानी कॉपर उसमें निकल मिलता है, और हड़प्पा में जो आर्टिफैक्ट बने कॉपर वगैरह के उसमें भी निकल मिलता है। तो इससे पता चलता है कि यहाँ से काफ़ी जो ट्रेड होता था। डिस्टिंक्ट ऑफ वैसल है लार्ज हड़प्पन जार कोटेड, वी डोंट नो व्हाट वाज कैरिड इन दिस वैसल। इस वैसल में बेसिकली इसमें क्या लेके जाते थे ये पता नहीं, लेकिन इसके बदले में क्या लेकर आए इनको पता है अच्छे से, कॉपर लेकर आते थे। मेसोपोटामियन टेक्स्ट डेटेबल टू द थर्ड मिलेनियम, थ्री थर्ड थ्री अच्छा 2100 के आसपास BC रेफर टू कॉपर कमिंग फ्रॉम द रीजन कॉल्ड मगान, पर आप से नेम फॉर ओमान, यहीं से पता चलता है कि ये ओमान के बारे में बात कर रहे हैं। मेसोपोटामिया साइट्स ऑल्सो कंटेन ट्रेसेस ऑफ निकल, जैसे मैंने आपको बताया हड़प्पन साइट में मिलती है। मेसोपोटामियन साइट्स में आप कॉपर आर्टिफैक्ट मिलते हैं, उसमें भी निकल मिलता है। और साइड में आपको जो ये क्या कहते हैं इसको, स्टेम मिलती है, या जो सील है, जो आपको अगर सील मिलेगी ये, इस ये सील तो जो है ये बेसिकली मेसोपोटामिया में मिली है, लेकिन इसका जो ये मोटिफ है यानी बुल, आप जो देखेंगे ये बुल, ये मोटिफ अगर आप जो देखेंगे इसके अंदर, ये बुल क्या है, ये हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन का है। तो इससे पता चला इसमें कॉन्टेक्ट्स थे। मेसोपोटामिया टेक्स्ट मेंशन कॉन्टेक्ट्स विद रिगार्ड्स नेम दिलमुन, दिलमुन को एक्चुअली बहरेन, बंगान, मलुहा,
मलुआ इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट था, पॉसिबली द हड़प्पन रीजन। मलुआ यहाँ पे आपको मिलेगा, फर्स्ट मैप में दिखाया भी है और एक किताब भी है उस बोले कि खैर वो नोवल तो अलग चीज़ अलग अलग चीज़ के बारे में, लेकिन मलुआ बेसिकली इंडस वैली सिविलाइजेशन से जुड़े हुए लोगों के बारे में बात करती है। और मिसोपोटामिया में मिथ भी कहता है मलुआ के बारे में कि तुम्हारी बर्ड जो है एक हाजा बर्ड, वो हाजा बर्ड को बेसिकली पीकॉक से आइडेंटिफाई किया गया कि ये शायद पीकॉक के बारे में बोलते हैं। ये पर्शियन जो है गोल गोल सा आपको जो ये मिल रहा है ये पर्शियन सील है, फाउंड इन बहरीन समटाइम्स कैरी हड़प्पन मोटिव। तो ये मोटिव से एक्चुअली क्या होता है, जैसे पर्शियन सील मिली तो बहरीन में मिली और मोटिव सेम है हड़प्पन वाला ही है, तो इससे पता चलता है मोटिव जो था वो एक्चुअली इन सब एरिया में एक खास तरह का कॉन्टैक्ट था। और इस एरिया को इंटरेस्टिंगली बोलते थे दिलुमुन। और जो यहाँ पे वेट मतलब वेट जो तराजू वगैरह के लिए वेट वगैरह इस्तेमाल करते हैं, ये इसके कॉन्ट्रास्टिंग सिग्निफिकेंस थी कि ये बिल्कुल वैसा ही यूज़ होता था जैसे हड़प्पा में तो होता था, जो वेट के जो प्रोपोर्शन था ना वो सील डिपिक्टिंग है वो ठीक है। स्क्रिप्ट वगैरह के बारे में आप जानते ही हैं, इसकी स्क्रिप्ट तो बहुत ही ज़्यादा वो है, क्या कहते हैं ऐसे कह सकते हैं, बहुत ही मिस्टीरियस कह सकते हैं। और इसको एक्चुअली क्या राइट से लेफ्ट हैंड साइड में लिखते थे। अब जो स्क्रिप्ट थी मेसोपोटामिया की मतलब सॉरी हड़प्पन की, वो स्क्रिप्ट को एक्चुअली लेफ्ट टू सॉरी राइट टू लेफ्ट लिखा जाता था। इसका पता कैसे चलता है, क्या होता है कि जैसे आपने कभी कागज़ के ऊपर लिखा होगा तो आपने हमेशा ध्यान रखा होगा कि आप जो शुरुआत में लिखते हैं तो अपन अच्छे अच्छे से लिखते हैं, आखिर में क्या होता है कभी लगता है कि यार ये सेंटेंस थोड़ा लंबा है और जगह थोड़ी कम है, तो अपन तो उसमें आखिर में थोड़ा क्रैम्प कर देते हैं चीज़ों को, यानी थोड़ी कम जगह में लिखना शुरू कर देते हैं। तो इसी से पता चलता है कि क्या होता है कि जो यहाँ की जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में जितनी भी स्क्रिप्ट मिली है वो क्या लेफ्ट वो राइट साइड में तो ठीक है उनमें स्पेसिंग अच्छी है, लेकिन लेफ्ट साइड में आता है स्पेसिंग कम हो जाती है। हालांकि आज तक इसको कभी 100% कोई पढ़ नहीं पाया, बीच बीच में होते रहते हैं, बीच बीच में खबरें आती रहती हैं कि हाँ पढ़ लिया गया कुछ पता चीज़ें पता चली, लेकिन 100% इसको क्लियरली अभी तक कोई डिसाइफर नहीं कर पाया। इसमें और ख़ास बात है कि इसमें अल्फ़ाबेटिकल बिल्कुल नहीं थी जो ये स्क्रिप्ट है इसकी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल नहीं थी। इसका पता ऐसे चलता है कि क्या कहते हैं इसमें हर चीज़ के लिए एक साइन यूज़ हुआ है, इसमें वोवल्स है कॉन्सोनेंट नहीं। अगर अल्फ़ाबेटिकल होती तो हर बार क्या चीज़ें रिपीट होती, लेकिन हर बार चीज़ें रिपीट नहीं हो रही, इसका मतलब ये क्या अल्फ़ाबेटिकल नहीं है जिसमें कॉन्सोनेंट और वोवल होते हैं जो अपने हिंदी और इंग्लिश में दोनों में। वेट्स भी इसमें काफ़ी अच्छे यूज़ होते थे। वेट्स का मतलब ये था कि इसमें कॉमन एक यूनिफॉर्मिटी थी, अगर जैसे हड़प्पा से कोई मोहनजोदड़ो जा रहा तो ये नहीं कि यहाँ का एक किलो अलग हो जाता है कि वहाँ का एक किलो अलग हो जाएगा, वो यहाँ का जो मोहनजोदड़ो का एक किलो था वही हड़प्पा का एक किलो था उतना ही वेट। तो ये यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट बहुत मतलब गजब की चीज़ थी जो कि पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन के वेट्स में मिलती है। इससे पता चलता है कि वहाँ पर जो थी वो एक कॉमन कोई डिसीजन मेकिंग बॉडी थी जो डिसीजन करता था। अब ये ग्रुप ऑफ पीपल था या कोई सिर्फ राजा था ये कोई क्लियरली अभी तक पता नहीं कर पाया। लोअर डिनोमिनेशन बाइनरी यूज़ होते थे, हायर डिनोमिनेशन जो होते थे वो डेसिमल सिस्टम में यूज़ होते थे। एंशियंट अथॉरिटी के बारे में बस यही कि इसमें कोई क्लियरली बात नहीं पता कि किस तरीके से थी। यहाँ पर या तो ग्रुप ऑफ पीपल ऐसा माना जाता है कि शायद ग्रुप ऑफ पीपल बैठते थे, लेकिन 100% कुछ नहीं कि राजा था या एक सिंगल पर्सन था या ग्रुप ऑफ पीपल डिसाइड करते थे, काउंसिल बैठती थी या सिंगल पर्सन डिसाइड करता था। लेकिन जितनी यूनिफॉर्मिटी मिलती है उससे पता चलता है कि बहुत अच्छा कंट्रोल था जिसका भी था। ये प्रीस्ट किंग है, ये एक्चुअली हड़प्पन सिविलाइजेशन का आर्टिफैक्ट है और एक मोटिव है जो भी कहें स्टैचू है। इसको पहले प्रीस्ट किंग बोलते थे, प्रीस्ट किंग एक्चुअली मेसोपोटामिया में होता था उसके हिसाब से इसको बोला जाता था, लेकिन अब इस पर भी डाउट है कि ये किंग था प्रीस्ट किंग था क्या था। पैलेसेस और किंग्स के बारे में कोई खास जानकारी हमें मिलती नहीं है सिवाय इस प्रीस्ट किंग के अलावा। सिटाडेल में भी ऐसी कुछ पता नहीं है, पर सिटाडेल आप देखिए कि वॉल्ड सिटाडेल है उसमें किसी स्पेशल पर्पज़ के लिए यूज़ होता था, ग्रेट पाथ वगैरह बने हुए हैं, हो सकता है कोई रिलीजियस पर्पज़ के लिए यूज़ होता हो, लेकिन वहाँ से पैलेसेस वगैरह के बारे में भी वहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। सिविलाइजेशन कैसे ख़त्म हुई उसके बहुत सारे कारण होता है, अबाउ 1800 या आफ्टर 1900 ये ख़त्म हो गई थी, लेकिन इसके क्या कहते हैं इसका कारण किसी को पता नहीं है। जो राइटिंग थी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड था वो भी ख़त्म हो गया था, उसके बाद रूरल सिविलाइजेशन आ गई थी। तो ये चीज़ें हैं।
यहाँ पर जब रूरल सिविलाइजेशन आई तो वो क्या जो वेट की यूनिफॉर्मिटी थी वो गायब हो गई, राइटिंग्स चली गई, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड्स ख़त्म हो गए। अब कारण क्या थे ख़त्म होने के, कोई इसके बारे में कोई भी एक राय नहीं है। क्लाइमेट चेंज हो सकता है, डिफॉरेस्टेशन हो सकता है, एक्सेसिव फ्लड्स हो सकता है, शिफ्टिंग और ड्राइंग अप ऑफ रिवर हो सकता है, रिवर ने लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट हो गई हो, क्या पता बहुत ज़्यादा फ्लड आ गया हो, किस तरीके से लोग ख़त्म हो गए। लेकिन इतनी पूरी सिविलाइजेशन ख़त्म होने का कोई ऐसा श्योर कारण नहीं मिलता कि क्या कारण था। क्योंकि क्या होता है कि जैसे फ्लड वगैरह आ जाए, मतलब बीमारी भी मान लो फैलती है, तो ऐसी कोई बीमारी थी नहीं कि पूरे लोग एकदम से साफ़ हो जाएं। मतलब अब जैसे कि बताया गया कि आपने देखा 40 मिलियन पीपल की ज़रूरत थी, अगर से मोहनजोदड़ो का कंस्ट्रक्शन देखा जाए तो, और 40 मिलियन पीपल मतलब एक दिन में काम करें, तो 40 मिलियन को आप बहुत कम भी करते जाएं तो 40 लाख, मतलब 40 लाख लोगों की जरूरत थी, तो उसको बहुत कम भी करते जाएं तो 2-3 लाख लोग से मोहनजोदड़ो में थे। अगर बहुत हम कर दें तो 1/10 ही कर दें, सिर्फ लेबर का हिसाब था। अगर लेबर अगर 2-1 लाख थी या 50,000 थी, तो और भी लोग होंगे, दुगने तिगने होंगे, उस ज़माने में 4-5 लाख रह रहते होंगे कम से कम हर जगह पर। तो इतने और 20 साइट थी, तो 1.5-2 करोड़ लोग एक साथ गायब होने का कोई सिस्टम समझ में नहीं आता कि ये जो सिविलाइजेशन थी वो कैसे ख़त्म हो गई या कहाँ चले गए। इसमें एक एग्ज़ाम्पल एविडेंस इन्वेजन का, ये जो जॉन मार्शल ने दिए थे कि ये हो सकता है किस तरीके से ख़त्म हुई, कि वहाँ पर बीमारी थी या लोग एकदम से मर गए। हालांकि इसको बाद में रिजेक्ट किया गया कि इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता कि बहुत लार्ज स्केल पे कोई, क्योंकि जो एक बरेल मिली है वहाँ पर बहुत सारे कंकाल मिले, मतलब जो डेड बॉडी स्केलेटन्स होते हैं बहुत मिले, लेकिन उसका कोई एक खास कारण नहीं पता चला क्या है। ऐसा भी पता चलता है कि हो सकता है यहाँ पर लोग बरी करते हैं इसलिए होता है, तो एक आध इंस्टेंस में यह कि कोई चोट वोट लगी हुई है, तो उस पहले ये माना जाता है कि बहुत लार्ज स्केल पर इन्वेशन हुआ था, उनको मार दिया गया, लेकिन इसका कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं मिलता। अब डिस्कवरिंग हड़प्पन सिविलाइजेशन की डिस्कवरिंग किसने करी है? सबसे पहले तो हमारे जो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे एएसआई के, कनिंगम एंड अलेक्जेंडर कनिंगम थे, इन्होंने एक्चुअली शुरू करा। लेकिन ये भी क्या था कि इनके अपन जब ये आए थे यानी 18th सेंचुरी में, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में कोई कुछ नहीं जानता था तब। ज़्यादा ज़्यादा ये माना जाता था कि गंगा सिविलाइजेशन जो मतलब 6th सेंचुरी के आसपास जो शुरुआत होती है, जो जहाँ पर ये आपको हमारे बहुत सारे निश उपनिषद वगैरह मिलते हैं और ये भगवान वगैरह के बारे में ज़्यादा डिस्क्रिप्शन है, तो 6th सेंचुरी के आसपास से मतलब ये माना जाता है कि इंडिया में सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई। इससे पहले ये माना जाता था जब तक तो अलेक्जेंडर कनिंगम आए थे। इन जो है ना, कनिंगम्स मेन इंटरेस्ट वाज इन आर्कोलॉजी ऑफ अर्ली हिस्टोरिक 6th सेंचुरी BC टू 4th सेंचुरी CE, यानी 6th सेंचुरी BC से 4th सेंचुरी CE के बीच में ऐसा माना जाता था कि इंडियन सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई। और इस वक्त आपको चंद्रगुप्त वगैरह और इस तरीके के अशोका वगैरह के बारे में थोड़ी जानकारी मिलेगी, बुद्धिस्ट इंस्क्रिप्शंस वगैरह से ये जानकारी मिलती थी, तो ऐसा लगता था कि सिर्फ यहीं पर सिविलाइजेशन की शुरुआत थी। इससे पहले इसलिए क्या था कि हड़प्पा से जब भी कोई मोटिव मिला या कुछ भी एविडेंस मिला तो उसको इसी पीरियड में रखने की कोशिश की जा सकती है। अब हमें पता है कि 100 साल पहले ही, मतलब हम सब हमेशा यही सुनता है, और हमें ये पता है कि 100 साल पहले था कोई चीज़, लोग रहते थे उससे पहले का हमें पता ही नहीं, तो कोई भी चीज़ मिलेगी तो हम सोचेंगे 100 साल पहले बनी, 100 साल पहले बनी, इस तरीके से। उस वक्त ये आर्कोलॉजी की और बहुत ज़्यादा कोई प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी नहीं हुआ था, तो उस वक्त की जो नॉलेज थी उस वक्त के हिसाब से कोई भी एविडेंस वगैरह मिलता था तो उसी पीरियड में रख दिया जाता था। अब इससे क्या हुआ था, बहुत से एविडेंस ख़त्म भी हो गए। लेकिन सिर्फ सब बाद में कई और लोगों ने इसको खोजबीन करी गई। दयाराम सानी ने हड़प्पन सिविलाइजेशन डिस्कवर करी, फिर राखादास बनर्जी, ये एक्चुअली इससे एसोसिएटेड थे, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। ये मोहन राखादास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो साइट को डिस्कवर किया था, दयाराम सानी ने हड़प्पन साइट को डिस्कवर किया था, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जॉन मार्शल था। अब जॉन मार्शल क्या थे, प्रोफेशनल आर्कोलॉजिस्ट थे और ये एक्चुअली बहुत जगह काम कर चुके थे। तो ये इससे पहले क्या होता था कि जब भी कोई कहीं पे एक्सकेवेशन होता था, मतलब खुदाई उदाई होती थी, तो वो क्या करते थे, रेक्टेंगुलर करते थे पहले। लेकिन ये इन्होंने एक्चुअली इसको बदला, उन्होंने बोला कि ये नहीं, ये स्टेटिग्राफी होनी चाहिए। इन्होंने एक्चुअली मार्शल के जो था इसमें एक्चुअली इसकी खोजबीन हुई, तब तब एक नई सिविलाइजेशन का पता चला कि नहीं, ये तो कोई नई सिविलाइजेशन थी हड़प्पा, और ये मोहनजोदड़ो एक नई सिविलाइजेशन थी, यहाँ से इंडस वैली सिविलाइजेशन निकली। ये एस एन रॉय ने अपनी किताब द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी में लिखा है कि मार्शल ने मतलब इंडिया को 3,000 साल पहले पीछे पुराना बताया, पहले का बताया, 3,000 साल पहले तक इंडिया ढूंढ निकाला जो उनको मिला था उस इंडिया से।
जैसे जो प्रेजेंट में आए थे तब तो 6 सेंचुरी से 4 सेंचुरी BC तक, 6 सेंचुरी BC से 4 सेंचुरी CE तक ही सबका आइडिया था, लेकिन उन्होंने 3,000 और से 2-3 हज़ार साल पहले चले गए। हाँ मार्शल में एक्चुअली ये था, मैं थोड़ा सा वहाँ ऊपर गड़बड़ होगी कि मार्शल ने एक्चुअली क्या 3,000 साल पुरानी बताया तो सही सिविलाइजेशन तो उन्होंने खोदी खोजी, लेकिन क्या हुआ कि उनकी जो खुदाई की स्टाइल थी वो थोड़ी सी उस वक्त के हिसाब से उतनी डेवलप नहीं थी आज के हिसाब से। जो उस वक्त क्या करते थे, वो क्या करते, एक रेक्टेंगुलर एरिया में उसको खोदा करते थे, क्योंकि ग्रीस वगैरह से ये ग्रीस वगैरह का इनका एक्सपीरियंस था, वहाँ हो सकता है इस तरीके से रहता होगा, एक साथ कुछ चीज़ें मिलती थी, रेक्टेंगुलर में एक बड़ा सा एरिया बना देते थे और वहाँ पर खुदाई शुरू करते थे। अब क्या करते थे, उस रेक्टेंगुलर एरिया में जो भी मिलेगा ना, वो उसको उसी पीरियड का मान के चलते थे कि ये मतलब जो इनका अपना आइडिया था उस पीरियड का उसको मान के चलते थे। वो स्टेटिग्राफी से नहीं करते थे, क्या क्या हो सकता है कि जो ऊपर जो चीज़ें मिलती है वो नई से नई दौर की हो सकती है, यानी कम कम साल पुरानी है, लेकिन जो और जो बहुत गहराई में मिलेंगी वो ज़्यादा साल पुरानी होंगी। इस तरीके से ना रख के क्या था कि अगर उस रेक्टेंगुलर में भले ही वो कोई चीज़ 100 फीट नीचे मिली हो, चाहे 100 फीट तक तो खैर पहुँचते नहीं है, चाहे 20-30 फीट ही है, कोई चीज़ चाहे 5 फीट पहले मिली हो चाहे 20 फीट नीचे मिली हो, तो मार्शल वगैरह को मानते थे कि वो एक ही पीरियड की है। लेकिन नहीं, इसको बाद में चेंज किया गया, इसमें एक्चुअली चेंज किया था आर.एम. व्हीलर ने। व्हीलर ने कहा कि नहीं, स्टेटिग्राफी यूज़ होनी चाहिए। स्टेटिग्राफी मतलब जो ऊपर की लेयर है वो अलग पीरियड की होती है, उसके नीचे की लेयर अलग पीरियड की होती है, तो एक डेप्थ निकाली गई कि इस डेप्थ पे जो चीज़ें मिलती हैं वो इतने 1,000 साल पुरानी है, इतने 100 साल पुरानी हो सकती हैं। और एक एक्स आर्मी ब्रिगेडियर थे व्हीलर, और व्हीलर क्या थे, क्या कहते हैं, ब्रिगेडियर थे, तो उनका प्रिसीजन भी बहुत अच्छा था, मिलिट्री का प्रिसीजन ये लेकर आए थे अपने साथ। तो ये सब सब चीज़ें थी इससे एक्चुअली हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में हमें पता चला। लेकिन 1944 में लाए, यानी 1944 तक जब तक ये व्हीलर आए तब तक कितने एविडेंस लॉस्ट हो गए होंगे आप सोचिए, क्योंकि कुछ इंस्क्रिप्शन नहीं है। मेसोपोटामिया में तो क्या लिखी चीज़ें मिल जाती हैं, इजिप्ट में ये बहुत बड़े पिरामिड मिलते थे, लेकिन हड़प्पा वगैरह में कुछ ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है जो स्पेशली उसको सेफ करके रख सके, इसलिए जो चीज़ जो एविडेंस लॉस्ट हो गए वो लॉस्ट हो गए, उसका कोई वो नहीं कर सकते। और यहाँ पे व्हीलर के साइड में जो नोट है ब्लू कलर का, इसमें बताया है कि व्हीलर जब आए थे तो उनको कहा गया था कि सुबह 5:30 बजे खुदाई शुरू करना और 7:30 बजे बंद कर देना, क्योंकि उसके बाद गर्मी हो जाती है। उनको भी लगा ठीक है शुरू करते हैं। अब इन्होंने जैसी खुदाई शुरू करी तो उनको अमाउंट मिल गया हड़प्पा का, अब उसको खुदाई करते रहे करते रहे, लोग परेशान हो गए। ऐसे बताते हैं कि सुबह 5:30 बजे खुदाई शुरू करी और 12-1 बज गए थे, तब तक खुदाई चालू ही थी, जबकि जनरली क्या थे 7:30 बजे तक खुदाई बंद कर देते थे 2-3 घंटे बाद, क्योंकि क्या कहते हैं जो फॉरेनर थे मतलब ब्रिटिशर थे तो अंग्रेज कह सकते हैं, तो वो ये क्या कहते हैं इनको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती थी जनरली, लेकिन ये अपने काम में इतना मशगूल हो गए कि इनको गर्मी वर्मी का कुछ पता ही नहीं। सोचिए 12 जो जो काम 7:30 बजे बंद होना था वो 12-1 बजे तक चला होगा, तो लोग कितना परेशान हो गए होंगे। मैट साहिब, इन्होंने खुद ही अपने इसमें नीचे लिखा है कि इनको लोगों ने मैट साहिब बोला था, मैड साहब। तो ये सब चीज़ें काम ऐसे ही होता है। अब पीसिंग टुगेदर और पास्ट, वो ये कि हर कोई जितना जानता है उसके हिसाब से बात करता है, इनकी भी गलती नहीं है। और जैसे जैसे अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है वैसे वैसे चीज़ें को पता चल रहा है, जैसे अभी तक डिसाइफर नहीं की, क्या पता कभी फ्यूचर में डिसाइफर हो जाए, होगी खैर हड़प्पन स्क्रिप्ट तब और भी कई चीज़ें हमें पता चल जाए जो हमें नहीं पता था। मटेरियल एविडेंस से एक्चुअली पता चलता है, मटेरियल एविडेंस से ही कुछ चीज़ पता चलती है जो भी हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पता चला, और कोई भी है नहीं। अब इसमें आर्कोलॉजी में प्रॉब्लम क्या क्या आती है वो देख लीजिए। मटेरियल है एक तो फंक्शन ऑफ आर्टिफैक्ट्स कैसे पता करें, किस तरीके से होते थे, इनडायरेक्ट एविडेंसेज हैं, ये सब चीज़ें इसके आर्कोलॉजी से पता करने में इसके बारे में। फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस, अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस मार्शल का लगता है, व्हीलर का लगता और अलेक्जेंडर का और भी लगता कनिंगम, तो इससे इंटरप्रिटेशन की प्रॉब्लम है जो आई है सब ज़्यादा। पहले इनको मदर गॉडेस बोलते थे, जो आप साइड में आप देख रहे हैं राइट साइड में, फिर बाद में इसके अलग अलग डिस्क्रिप्शन आए, ये प्रीस्ट गॉड था ऊपर जो आपने बता दिखाया हुआ वो प्रीस्ट गॉड का कंसेप्ट था, वो भी बाद में चेंज हुआ कि नहीं, ये प्रीस्ट सॉरी प्रीस्ट किंग का कंसेप्ट था वो बाद में चेंज हुआ कि नहीं, ऐसा नहीं है। तो अलग अलग इंटरप्रिटेशन है, कोई एग्जैक्टली कुछ कोई कंक्लूजन नहीं है सबका कि हाँ, जो कहते हैं ना यूनिटी नहीं है कि ये क्या चीज़ थी, तो ये मदर गॉडेस मानी गई हैं। ठीक है,
ऐसा माना जाता है कि शुरुआत में जो भी स्टैचू वगैरह बनते थे भगवान वगैरह को थोड़ा डिस्क्रिप्ट करते थे, इसलिए या राजा रानी के लिए बने होंगे। ग्रेट बाल, फायर एल्डर्स, ये काली बंगाल लोथल में मिलते तो हैं, लेकिन इनका क्या यूज था ये भी कोई क्लियर नहीं है। प्रोटो शिवा, अब ये रुद्र है एक्चुअली, प्रोटो शिवा इसमें बेसिकली प्रोटो शिवा का कंसेप्ट है ये, है ना। अब ये क्या होता है कि कंसेप्ट ऋग्वेद से लिया गया, ऋग्वेद के 1500 से 1500 से 1000 BC में। अब ऋग्वेद में जो रुद्र हैं उनको शिवा के जैसा माना जाता है, लेकिन इनकी और शिवा की, भगवान लॉर्ड शिवा जो हैं, भगवान शिवा, शिव भगवान जी, और एक्चुअली रुद्र जो, इनकी जो सिमिलैरिटीज है वो अलग अलग हैं, इनमें सिमिलैरिटीज बहुत कम है, मतलब डिफरेंसेस ज़्यादा हैं। तो मैनी डिकेशन हेलोपन रीजन वर मेड ऑन द जम्पन ऑफ द लेटर ट्रेडिशन प्रोवाइड पैरल विद अर्लियर वंस, है ना, कि जो ऋग्वेद से कि हाँ ये शिवाजी होंगे, लेकिन फिर भी इस पर भी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं कि नहीं ये अलग चीज़ है, कुछ और डिपेक्ट कर रहे हैं, कोई शमन डिपेक्ट कर रहे हैं, यानी उस वक्त के जो वहाँ पर कोई महाराज वहाराज होंगे, बाबा वगैरह होंगे, तो वो उसका डिपिक्शन है, और एग्जैक्टली क्या ये कोई नहीं जानता। एंड ये इट्स एनफ, मुझे लगता है ये यूज़फुल रहेगा एक्चुअली। उसको रीडिंग करने की जगह मैंने थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, तो जैसा आपको सही लगे वैसा आप देख लीजिएगा। थैंक यू।